ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी को श्रेष्ठ श्रीमत मिल रही है। जन्म जन्म हम मनुष्यों की मतों पर चलते आए या शास्त्रों की मतों पर चलते आए, परंतु अब स्वयं भगवान ने हमें अपनी मत प्रदान की है। अब हमें उसकी ही श्रीमत पर चलना है, उसमें हमारा संपूर्ण कल्याण अंतर्निहित है। यदि हम अब भी उसकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हम समस्याओं से घिरते जाएंगे, हमें कष्ट होगा। बाबा की मत निस्वार्थ निष्काम पवित्र बनाने वाली, हमें राज भाग्य दिलाने वाली है। इसी मत पर चलकर हम सभी सतयुग में एक मत का राज स्थापित कर देते हैं। तो हम श्रीमत पर चलकर स्वयं को ज्ञान के खजाने से भरपूर करें। पहली श्रीमत है ही प्रतिदिन ज्ञान श्रवण करना, मुरली सुनना, मुरली से प्यार माना बाबा से प्यार, तब हम योग युक्त भी बहुत अच्छी तरह रह सकेंगे। अगर हमारे पास ज्ञान का बल ही नहीं होगा तो हम त्याग भी नहीं कर पाएंगे, हम देहधारियों से निकल भी नहीं पाएंगे, हम प्योरिटी में भी प्रवीण नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है ज्ञान का बल। ये ज्ञान ही तो है जो भिन्न भिन्न समस्याएं आने पर हमें हल्का रखता है। ये ज्ञान ही तो है जिसने हमें निर्विकारी बना दिया। तो हम ज्ञान को भी महत्व दें और अपने अंदर इस खजाने को भरपूर करते चलें। बाबा के इस महावाक्य को याद रखेंगे, जिनके पास ज्ञान धन बहुत है उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। ये ज्ञान हमारी विवेक शक्ति को बढ़ाता है, ऐसा कहें ज्ञान हमारी बुद्धि का निर्माण करता है, और यही बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ रहेगी। इसलिए इस समय जैसी बुद्धि का हम निर्माण करना चाहें वैसा कर लें। बुद्धि पर ही मनुष्य का सारा खेल निर्भर करता है। यदि बुद्धि अच्छी है तो पढ़ाई में बहुत अच्छे, यदि बुद्धि अच्छी है तो निर्णय शक्ति बहुत अच्छी, बिजनेस काम धंधों में हम सफल होते रहेंगे। बुद्धि बहुत अच्छी है तो संबंध संपर्कों को भी हम मधुर बनाए रखेंगे, स्वयं झुकना भी सीख लेंगे, क्योंकि बुद्धि ही हमें हर कदम पर गाइड करती है। तो हम बाबा की नॉलेज लेकर अपनी बुद्धि को दिव्य बनाते चलें। बस बात यही है कि ज्ञान उनकी बुद्धि में धारण होगा जिन्होंने अपनी बुद्धि से गंदगी को समाप्त कर दिया होगा। गंदगी बहुत तरह की है, व्यर्थ की, ईर्ष्या द्वेष की, तेरे मेरे की, क्रोध और काम की, इस गंदगी को समाप्त करें। अब संकल्प कर लें, मेरी बुद्धि स्वच्छ है, मुझे इसको संपूर्ण डिवाइन करना है, रिफाइन करना है, ऐसी बुद्धि बनानी है जिसमें भगवान विराजमान हो, ऐसी बुद्धि बनानी है जिसमें वरदान ठहर सकें, ऐसी बुद्धि बनानी है जिसमें संपूर्ण प्योरिटी समा सके। तो व्यर्थ से स्वयं को पूरी तरह मुक्त करते चलें। ऐसा समझ लें कि व्यर्थ से तो अब हमारा कोई नाता ही नहीं है, और ध्यान दें संगम युग के सुनहरे क्षण बीतते जा रहे हैं। हम अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाते चलें, इन दिनों के महत्व को समझकर दिनों दिन फायदा उठाएं, नहीं तो ये दिन बहुत याद आया करेंगे। जिन्होंने बाबा को पहचाना है उनको अधिक पश्चाताप होगा। इसलिए भाग्य हमारे हाथ में आ गया है, भाग्य विधाता भी हमारे हाथ में आ गया है। अब
हमें उससे संपूर्ण भाग्य प्राप्त कर लेना है। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे, मेरे पास दिव्य बुद्धि है, मुझे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है, मेरी खोज पूरी तरह समाप्त हो गई है और अभ्यास करेंगे। हम कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं और बाबा से शक्तियां लेकर सारे कल्प वृक्ष में फैल। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।